पंचायत चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने वालों की भीड़ आएगी। सदस्यता लेने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह संकेत पूर्व विधायक सेवता महेंद्र सिंह छीन बाबू ने निज निवास ग्राम सुपौली में आयोजित मनोनयन पत्र वितरण समारोह में दिए। पूर्व विधायक ने कहा, टाइगर अभी जिंदा है और अभी घाघरा नदी जैसी बाढ़ आने वाली है। समारोह में समाजवादी पार्टी व्यापार सभा विधानसभा क्षेत्र सेवता के पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र वितरित किए गए। छीन बाबू ने कहा कि विकास के नाम पर जो पत्थर लगवाए जा रहे हैं उन पर प्रधानों का अधिकार है। 4 साल के विकास पर एकमात्र चहलारी का पुल भारी है। पूर्व विधायक ने समाजवादी पार्टी व्यापार सभा जिला अध्यक्ष ऋषिराज सिंह के साथ विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष धर्मेंद्र पोरवाल, कोषाध्यक्ष गुंजन यज्ञसेनी, अक्रम केशव राम यादव सहित 31 सदस्यीय कमेटी के पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र सौंपे। इस मौके पर सेक्टर प्रभारी भाजपा बबलू मौर्य, बसपा से शमीम अहमद ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। समारोह में लोहिया वाहिनी के पूर्व जिलाध्यक्ष रिजवान अहमद, पवन कुमार सिंह, शिव बालक यादव, डॉक्टर प्रतीक सिंह, शिवेंद्र प्रताप यादव, मोहम्मद आजाद, राइन पुष्कर शुक्ल, साकेन्द्र यादव, कद्दूस खां, श्यामजी शुक्ला, मेराज अहमद, वहीदुल, अदनान खान, बबलू मौर्य, तेजपाल यादव, उत्तम यादव, प्रदीप सिंह, अमर यादव, हंसराज यादव, नसीम खां, श्रवण कुमार, निर्मल, सुरेंद्र यादव, अमरेश जायसवाल सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन विश्वपाल सिंह ने किया। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह छीन बाबू ने आई इंडिया से कहा, बहुत बड़ी भीड़ आने वाली है। इसकी संख्या अभी हम लोग इसलिए नहीं बता सकते कि संख्या ज़्यादा है, और अभी हम लोग जो हम लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको शामिल कर लिया जाए, तो हम लोग भी थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। ये पंचायत का चुनाव आप हो जाने दीजिए, उसके बाद में एक बाढ़ सी आएगी। जैसे घाघरा नदी में बाढ़ आती थी और सारा कुछ बहा कर ले जाती थी, उसी तरीके से इस पंचायत चुनाव के बाद जो आदमी अभी कुछ दबा हुआ है, कहे कि ये भय दिखाकर सरकार चला रहे हैं, लोगों में एक भय पैदा कर रहे हैं, तो उसके तहत हम लोग नहीं परेशान उनको करना चाहते हैं। रोक दिया है कि रुक जाओ, और जब ये चुनाव पंचायत चुनाव हो जाएगा तो आप लोगों को खुद मालूम हो जाएगा कि लोग नहीं, एक भीड़ आ रही है, वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करी। हाँ, बैठ कर बात कर चुके हैं, मिल चुके हैं, और आने की उनकी तैयारी भी है, लेकिन इसी बात पर रुके हैं कि पंचायत चुनाव हो जाए, उसके बाद में सभी लोग सदस्यता ग्रहण करेंगे और समाजवादी पार्टी में साथ देंगे सब लोग। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।